कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को मात देकर गढ़ तो जीत लिया, लेकिन इसका मुखिया किसे बनाए, इस बात को लेकर एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसको लेकर काफी माथापच्ची होती रही। सिद्धारमैया को सीएम बनाने के लिए सब राजी थे, लेकिन डीके शिव कुमार अड़ गए कि सीएम तो मैं बनूंगा, और इस कारण मामला अधर में कई दिनों तक अटका रहा। आखिरकार सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हो गया और लोगों की जुबान पर सवाल था कि आखिरकार शिव कुमार माने कैसे। डीके शिव कुमार को मनाने में कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम का पद लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। डीके शिव कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी समझाया कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने दो, लेकिन वे अटके रहे, जिससे मामला लटकता चला गया। शिव कुमार को कांग्रेस ने खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। फैसले में हो रही देरी के कारण बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े लीडर से बात करने के बाद भारी मन के साथ उन्होंने इस उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। सूत्रों के मुताबिक जब मल्लिकार्जुन खड़गे से बात नहीं बनी तो सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। सोनिया गांधी ने बात की और डीके शिव कुमार को मनाया। सोनिया गांधी ने 17 मई की शाम को डीके शिव कुमार से बात की। सोनिया गांधी का कहा वे टाल नहीं सके और उप मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए तैयार हो गए।